दोस्तों मोबाइल तो आजकल सभी लोग यूज करते हो, और मोबाइल यूज करते हो तो उसमें डायल पैड तो होगा ही होगा। डायल पैड किसे कहते हैं, जिससे आप नंबर डायल करते हैं और कॉल करते हो। तो सिंपली ये तो चीज होगी होगी आपके फोन में, चाहे कुछ भी ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ कि आज इस डायल पैड की कुछ ऐसी 3 ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनमें से हो सकता है कुछ ट्रिक आप जानते हो या फिर कुछ ट्रिक आप लोग नहीं जानते होंगे, या फिर कुछ लोग इनमें से ट्रिक जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो एके मास्टर पॉइंट। पॉइंट ऐसा होता है जो कि आपको पसंद आता है ना, कमाल की बात। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपको एक काम और करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसको बेल आइकन दबा देना है। और जब भी आप बेल आइकन दबा दोगे तो जैसे भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको घंटे की तरह वीडियो ऊपर से टपकेगी आपके मोबाइल में, और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना और उसका मजा ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आपको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायल पैड ओपन कर लेना है। डायल पैड ओपन करने के बाद आपको सिंपली सबसे पहली सेटिंग में बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं +1 पर क्लिक करके रखूंगा तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट कॉल हो सकती है, कॉल हो जाती है, हो सकती नहीं, हो जाती है। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको सिंपली ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको वॉइस मेल में चले जाना है, और वॉइस मेल में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिम सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी सिम पे आपको नंबर सेट करना है, तो ठीक है। तो पहले सिम पर मैं क्लिक कर देता हूँ। पहले सिम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडवांसड सेटिंग में जाना है, और एडवांसड सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर नंबर लिखा होगा। यहाँ पर आप जिस भी बंदे का नंबर लिखना चाहते हो उसका नंबर लिख सकते हो, आपका भाई, पापा, मम्मी, बहन, जिसका भी आप नंबर लिखना चाहते हो, या गर्लफ्रेंड नंबर, जिसका एक दबाकर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो बिना डायल पैड किए, है ना, ये कमाल की ट्रिक। अगर ये ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। तो दूसरी ट्रिक में जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं हम लोगों को, जैसे कि कोई कहता है कि मतलब कि आप ये सोना जीत जाओगे, इतने पैसे दे दो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये सब कॉल आपको कैसे पहचान सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन के, है ना कमाल की ट्रिक। हालांकि ऐसी कोई ट्रिक नाम की एक एप्लीकेशन आती है जिसे यूज आजकल सभी लोग करते हैं, लेकिन जब मोबाइल में ऐसी सेटिंग दी रखी है तो हमें क्यों फालतू एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, तो ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर दिख जाएगा कॉलर आईडी एंड स्पैम। तो यहां पर आप जब क्लिक कर दोगे तो कॉलर आईडी एंड स्पैम, तो जी कॉलर एंड स्पैम आईडी को इनेबल कर देना है। तो यहां पर इनेबल कर दोगे तो फिल्टर स्पैम कौन, यानी कि जो भी स्पैम, यानी कि जो कि मतलब फालतू का ऐसे करते हैं ना लोग फ्रॉडबाजी, वो टोटल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर वेरीफाइड कॉल पर आप जब इनेबल कर दोगे, तो ये इनेबल करने के बाद आप ये क्या करेगी ये सेटिंग, कि आपके जो भी नंबर आएंगे फ्रॉड कॉल, उनके आपको फ्रॉड लिखा हुआ आपका मोबाइल ही आपको दिखा देगा, आपसे कहेगा कि इस कॉल को मत उठाइए, ठीक है। तो आप उस कॉल को नहीं उठाओगे और आप फ्रॉड से बच सकते हो, है ना कमाल की ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम तीसरी सेटिंग की तरफ, ठीक है। तो तीसरी सेटिंग में आपको डायल पैड ओपन करना है। तो डायल पैड ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि जैसे कि आपने डायल पैड को अगर मस्त बनाना है, स्मार्ट तरीके से सुंदर बनाना है ना उसको, तो हमें किसी अन्य एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक सेटिंग इसमें दे रखी है स्मार्ट लिखाने के लिए, तो इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जब आप चले जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा डिस्प्ले ऑप्शन, और डिस्प्ले ऑप्शन पर आप जब जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा चूज थीम। थीम पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप सिस्टम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी कि मोबाइल में जो भी आपका डार्क थीम रहेगी या कौन सी थीम, तो यहां पर डार्क में कर देता हूं डार्क। तो यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल काला काला हो गया डायल पैड, है ना, कितना मस्त लगता है डायल पैड आजकल, काला ही अच्छा लगता है। तो यहां पर देखिए वो सेटिंग अपनी इनेबल की, रिपोर्ट एंड स्पैम आ रही है, यानी कि मैंने पहले से ही इसको इनेबल कर रखा था, वो तो आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे बंद कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो ट्रिक काम करेगी, और साथ में आपका डायल पैड भी ऐसा कुछ अच्छा लगने लगेगा, है ना कमाल की ट्रिक। ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पॉइंट ऐसा मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो अब आपको एक और काम और करना है मेरे कहने पर, कि आपको यहां पर लिख देना है कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में लिखना है मास्टर पॉइंट करके आपको इसको सेंड कर देना है, ठीक है। इतना कर दीजिए, मेरे लिए बहुत होगा, धन्यवाद।